hello students how are you today we will discuss the remaining part of chapter 4 agriculture in a previous video we have been discussed about the types of farmings and cropping seasons so let's we start our videos students today we start from the major crops a variety of the crops and non food crops are grown in different part of the country depending upon the variation in the soils so the major crops are grown in india these are the rice wheat millets pulses tea coffee sugarcane oil seeds cotton and jute so let's be discuss each one by one now the first क्रॉप इज आ राइस क्रॉप द राइस क्रॉप इज अ खरीफ क्रॉप इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एबब ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड, हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल हंड्रेड सेंटीमीटर्स एंड द मेन एरियाज आर पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पार्ट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट्स दिस इज द राइस क्रॉप यू कैन सी हीर मेरीवेल नाउ द सेकेंड इज अ व्हीट इट इज द रबी क्रॉप्स यू आल्सो नो एंड इट रिक्वायर्ड फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एनुअल रेनफॉल्स विद लो टेम्परेचर एंड द मेन एरिया आर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार एंड राजस्थान स्टूडेंट्स हियार द रबी क्रॉप्स एंड रिक्वायर्ड कोल्ड ग्रोइंग सीजन्स स्टूडेंट्स हम वही चीज़ें आपको बता रहे हैं जो कि किसी भी फसल के लिए इम्पोर्टेंस होती है आप इतना जानते रहिएगा कि वो फसल किस किस एरिया में होती है मीन्स स्टेट नेम्स ये ध्यान रखिए आप और उसको टम्परेचर क्या नीड होता है ये ध्यान रखिए आप और एनुअल रेनफॉल उसके लिए कितनी ज़रूरत है बस तो चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप्स पर ये फिगर है वीट का दिस इज द डेस्ट फिगर ऑफ वीट एंड इन दिस फिगर यू कैन सी इजिली द लेबर्स आर हार्वेस्टेड द क्रॉप्स नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज आ मिलेट्स ज्वार बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट्स मिलट्स ग्रो इन इंडिया द रागी इज वेरी रिच इन आयरन कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस बिकॉज बिफोर दिस यू नो द मिलेट्स इज अ हैव द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू जितने भी मिलेट्स हैं बेटा चाहे ज्वार हो, बाजरा हो या रागी हो, इन सब में बहुत ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें न्यूट्रिशनल चीज़ें पाई जाती हैं तो जैसे यहाँ बताया गया कि रागी में आपको क्या मिलता है ज़्यादा आयरन और कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिशंस वहीं पर अगर हम बात करें ज्वार इज़ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन इन इंडिया द मेजर ज्वार प्रोडक्शन स्टेट महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स दिस इज़ द फिगर ऑफ ज्वार यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर इजली और द्वार नाउ बाजरा दिस इज द फिगर ऑफ बाजरा यू कैन सी हियर आन द मेन स्टेट्स आर कर्नाटका तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम झारखंड अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा कि बाजरा गोरों वेल ऑन सैंडी सॉइल्स सेलो ब्लैक सॉइल्स और जबकि रागी इच अक्रॉस ड्राई सीजन अन्स रीजन एंड ग्रोन बिल ऑन रेड ब्लैक सैंडी loamy and solo black soils so you can learn the soil names the soil which crops are grown there this is the bajra and students this is the ragi नाउ ने स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज आ मैच क्रॉप्स मैच इज आ खरीफ क्रॉप्स गर्मी की फसल है बेटा एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिटवीन ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड टू ट्वेंटी सेवन सेंटीग्रेड्स ओल्ड एल्यूबेल्स ऑयल नीड करता है एंड द uh, मेन थिंग्स इज़ दैट मेजर मैच प्रोडक्शन स्टेट्स आर कर्नाटका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टूडेंट्स this is the figure of match now students let's be discuss about the pulses this is the figure of pulses you can see

दीज आर मेजर पल्सेस एंड द मेजर स्टेट्स आर मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका स्टूडेंट्स हियर वन थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू आर हर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर क्वेश्चन में बी आस्क बाय द बोर्ड कि बिच पल्सेस इज हेल्प टू रिस्टोर द सॉयल फर्टिलिटी योर आंसर इज अरहर अरहर में क्या होता है कि उसकी जड़ों में नाइट्रोजन पाए जाते हैं और जो वो खेत में फिर से रिस्टोर कर देता है जैसे जो हम अगर कोई फसल उगाते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है तो हमारी फसल में हमारी फील्ड में क्या हो जाता है नाइट्रोजन कम हो जाता है अगर हम उस लैंड पर फिर से पल्स की खेती कर दें स्पेशली अरहर की तो उसमें नाइट्रोजन अपने आप कंप्लीट हो जाता है नाउ नेक्स्ट बी डिस्कस अबाउट द फूड ग्रेन्स नाउ फर्स्ट बी डिस्कस अबाउट द शुगर केन्स इट रिक्वायर द टेम्परेचर बिटवीन द ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड टू ट्वेंटी सेवन एंड द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इट रिक्वायर्ड एनुअल रेन 100 इज हंड्रेड सेंटीमीटर्स एंड द मेन स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार एंड हरियाणा स्टूडेंट्स इंडिया इज या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील मीन्स ब्राज़ील के बाद भारत दूसरे नंबर का शुगर प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है और शुगर जो होते हैं मेन सोर्स होता है कि चीनी का गुड़ का और खंसारी का स्टूडेंट्स दिस इज द फिगर ऑफ शुगर केन नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बी डिस्कस अबाउट द आयल सीड्स द मेन थिंग्स इज दैट India was the third largest producer in the world after Canada and China in twenty fifteen. About the oil seeds. Students the main oil seeds produce India that is the groundnut, mustard, coconut, sesame, till, soya bean, custard seeds, cotton seeds, linseed, and sunflower. स्टूडेंट्स दिस इज द मस्टर्ड सरसों दिस इज द कोकोनट एंड दिस इज द फिगर ऑफ सनफ्लावर इस्टूडेंट्स फॉर यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ग्राउंड नट इज अ खरीब क्रॉप्स ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच व विच इज़ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप्स दो चार आसन देख करके उसमें ग्राउंड नट वो दे सकते हैं तो आप इसको याद रखिए गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाई द राजस्थान एंड तमिलनाडु तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है फॉलोड बाई मिस राजस्थान और तमिलनाडु के बाद एंड वन थिंग मोरस तिल सीशमम खरीफ क्रॉप्स इज नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ क्रॉप है जबकि रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा ओके स्टूडेंट्स लेट्स बी डिस्कस अबाउट द टी टी इज अ बेवरेज क्रॉप्स टी एंड कॉफी तो क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि राइट एनी वन बेवरेज क्रॉप्स पेय पदार्थ वैसे मतलब क्रॉप्स जिनको हम पी सकते हैं तो हमारा आंसर होगा टी एंड कॉफी नाउ लेट्स बी डिस्कस अबाउट द टी टी प्लांट ग्रो बेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स डीप वेल फर्टाइल एरिया रिक्वायर्ड वार्म एंड मोस्ट फ्रस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर्स एंड द मेन स्टेट्स आर आसाम हिल्स जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्स तमिलनाडु एंड केरला दार्जिलिंग ऑल्सो वेस्ट बंगाल तमिलनाडु केरला स्टूडेंट्स द मेन थिंग्स फॉर यू इंडिया वाज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर का टी प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर दिस इज द टी प्लांट कल्टिवेशन एरिया ये हिली एरिया में स्पेशली होता है टी नाउ नेक्स्ट बी डिस्कस अबाउट द कॉफ़ी इंडियन कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड बाय इट्स गुड क्वालिटी भारत की कॉफ़ी जो है अपनी अच्छी विशेषता के कारण क्वालिटी के कारण पूरी वर्ल्ड में जानी जाती है एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन द बाबा बोधन हिल्स नीलगिरी हिल्स कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु स्टूडेंट्स दिस इज़ द कॉफ़ी सीड्स विच आर यूज टू फॉर द बेवरेज ओके स्टूडेंट्स लेट्स बी डिस्कस अबाउट द हॉर्टिकल्चर्स इन हॉर्टिकल्चर्स बी इंक्लूड्स बागवानी मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ऑफ नागपुर चेरापूंजी बनाना ऑफ केरला मिजोरम महाराष्ट्र तमिलनाडु लीची एंड गोवा ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड महाराष्ट्र एप्पल्स पीयर्स एक्रिकोर्स वालनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश सो स्टूडेंट्स दीज आर द एरिया वे आर द थिंग्स आर टू मच फेमस ओके स्टूडेंट्स लेट्स बी डिस्कस अबाउट द नॉन फूड क्रॉप्स नाउ द फर्स्ट इज़ अ रबर इट रिक्वायर्ड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रेनफॉल ऑफ टू हंड्रेड सेटर टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव एंड द मेन एरिया अ केरला तमिलनाडु कर्नाटका अंडमान एंड निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय स्टूडेंट्स दिस rubber plant students now let's be discuss about the fiber crops cotton jute hemp and natural silk are the four major fiber crops now the question is how many natural fiber crops your answer four cotton jute hemp and silk now let's be discuss each one by one नाउ द फर्स्ट इज स्टूडेंट्स हियर वन थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म इज नोन एज सेल्चर सिल्क की खेती करना सिल्क प्रोड्यूस करना सिल्क वार्म से सेल्चर बोला जाता है नाउ द फर्स्ट इज कॉटन इंडिया इज बिलीव टू बी द दरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स ये माना जाता है कि भारत ही पूरे विश्व में कॉटन को पहुंचाया है मीन्स कॉटन यहाँ पर सबसे पहले ही देखा गया प्रोड्यूस किया गया यही कॉटन का घर है इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना कॉटन ग्रो इन अ डायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन साइल्स ऑफ द डन प्लेटू स्टूडेंट्स ये बात अब ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि विच सॉयल इज सुटेबल फॉर द कॉटन योर आंसर इज़ ब्लैक सॉयल और ब्लैक सॉयल का सेकेंड जो नाम है वो है कॉटन सॉइल तो आप यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल और दो सौ दस दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज ब्राइट सनसाइन मीन्स अच्छी धूप होनी चाहिए दो दिन के लिए और ये आपका कॉटन के शीट्स हैं इनको आप देख सकते हैं ये सेकंड फिगर है जो आपको हेल्प करेगा समझने में कॉटन को ऐसे इनकी खेती की जाती है फिर निकाला जाता है इसको आप बोलते हैं रुई जिनका की यूज हम करते हैं और इन्हीं से कॉटन तैयार किया जाता है एंड द मेजर क्रॉप्स कॉटन क्रॉप्स एरिया आर द मध्य महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश नाउ टू लेट्स बी डिस्कस अबाउट द जूट जूट इज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर योर आंसर जूट इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड फर्टाइल सॉइल्स इसके लिए अच्छी सॉइल भी होनी चाहिए टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए एंड द एरियाज वेस्ट बंगाल बिहार आसाम उड़ीसा मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ओके स्टूडेंट्स सो इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन ओके बाय